बीसीसीआई को हार्दिक पांड्या ने पहले अकड़ दिखाई। एक झटके में वीआईपी समझ रहे पांड्या की अकल बोर्ड ने ठिकाने लगाई। हाथ पैर जोड़ने के बाद पांड्या को पूरी बात समझ आई। ज्यादा हीरो बनने पर होने वाली थी टीम इंडिया से विदाई। मान ली पांड्या ने अपनी गलती और सरेआम गर्दन झुकाई। आपने फिल्म चक दे इंडिया जरूर देखी होगी। नहीं देखी तो आपको याद दिला दें कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का एक डायलॉग उस फिल्म का था कि हर एक टीम में एक गुंडा होता है और वो गुंडा वो खुद हैं। यानी कि कोच से बड़ा कोई गुंडा नहीं। लेकिन भारतीय क्रिकेट में कहानी थोड़ी अलग है। हीरो अलग है और गुंडा भी कोई अलग है। खुद को हीरो समझने वाले हार्दिक पांड्या की अकल और अकड़ एक झटके में बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ठिकाने लगा दी और बता दिया कि टीम इंडिया का असली गुंडा कौन है। पहले खुद को टीम इंडिया का कप्तान समझ रहे पांड्या का कप्तानी वाला सपना तोड़ा। बाद में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जैसे तैसे पांड्या का नाम आया। यहाँ तक कि पांड्या जो सुपरस्टार खुद को मानते थे उनको बीसीसीआई के आगे करोड़ों की डील के लिए हाथ तक जोड़ने पड़े, सिर तक झुकाना पड़ा और एक माफीनामा सौंपना पड़ा। अब पांड्या पर बीसीसीआई ने एक शर्त लागू कर दी है क्योंकि पांड्या के बर्ताव से हर कोई वाकिफ है और पांड्या को लाइन पर लाने के लिए बीसीसीआई ने सख्त कदम उठाए हैं। दरअसल घरेलू क्रिकेट को हल्के में ले रहे खिलाड़ियों के खिलाफ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। बोर्ड किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किए जाने के बाद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को लेकर खूब सवाल खड़े हो रहे थे। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में चोटिल होने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर पांड्या ए ग्रेड में बरकरार है, इसे लेकर सवाल उठ रहे थे। अब पता चला कि हार्दिक पांड्या को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करने को लेकर खूब चर्चा हुई। चयनकर्ताओं और बीसीसीआई ने हार्दिक पांड्या को तब कॉन्ट्रैक्ट दिया जब हार्दिक पांड्या ने एक अंडरटेकिंग दी कि अगर वो भारतीय टीम के लिए व्हाइट बॉक्स क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे तब वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में बड़ौदा के लिए खेलेंगे। यानी कि पांड्या को शर्त दी गई कि अगर घरेलू क्रिकेट से दूरी बनाओगे तो हाथ से कॉन्ट्रैक्ट छिन जाएगा। हालिया मीटिंग के दौरान श्रेयस अय्यर और ईशान के अलावा पांड्या को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सूची के ग्रेड ए में जगह देने को लेकर चर्चा हुई थी। अक्टूबर में वर्ल्ड कप के दौरान टखने में चोट की वजह से बाहर पांड्या पिछले हफ्ते तक मैदान से दूर थे। उन्होंने डीवाई पाटिल टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की जहां वो रिलायंस के लिए खेल रहे थे। ईशान की तरह पांड्या भी वडोदरा में व्यक्तिगत रूप से ट्रेनिंग कर रहे थे लेकिन उनके पक्ष में ये बात गई कि वो अपनी फिटनेस का आकलन कराने के लिए समय समय पर नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिपोर्ट करते रहते हैं। माना जा रहा है कि बीसीसीआई अनुबंधित खिलाड़ियों को ये भी निर्देश देगा कि जब वो राष्ट्रीय टीम सेटअप का हिस्सा ना हो तो वो अपने संबंधित राज्यों की टीमों को सपोर्ट करें। कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जब घरेलू सीजन के बीच में कई राज्यों के खिलाड़ियों ने अपने संबंधित आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ छोटे कैंप में हिस्सा लिया। ये कदम जो राज्यों को पसंद नहीं आया। इसी कड़ी में श्रेयस अय्यर भी केकेआर के कैंप का हिस्सा बन गए थे तो ईशान किशन ने आईपीएल की तैयारी की थी। हार्दिक पांड्या जो खुद को बोर्ड से भी बड़ा समझने लगे थे, खुद को वीआईपी मानने लगे थे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए सिर तक नीचे करना पड़ गया। बोर्ड की बात माननी पड़ी और लिखित में देना पड़ा। अय्यर और ईशान से बोर्ड कितना नाराज है ये सब ने देख लिया। लेकिन अब हार्दिक पांड्या को लास्ट वार्निंग दे दी गई है। अब देखना होगा कि बीसीसीआई से सख्त कदम के बाद क्या टीम इंडिया के खिलाड़ियों की अकल ठिकाने पर आती है या फिर नहीं। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है, जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।